अलूवालिया जी, सब लोग प्लीज समय का ध्यान रखो, रिप्लाई लेना। अध्यक्ष महोदय, 28 फरवरी को बजट रखा गया था और आज हम लोग चर्चा करने के लिए खड़े हुए हैं। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और समर्थन करते वक्त मैं कुछ अपनी बातें, अपने क्षेत्र की बातें रखना चाहता हूं। महोदया, कि एक दूरदर्शी बजट है और इस बजट के दूरगामी परिणाम है और परिणाम अच्छों की ही कामना करते हैं। ये बजट कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक के लिए है और मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं महोदया, जो चार अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डरों से जुड़ा हुआ है। एक तरफ नेपाल है, दूसरे तरफ भूटान है, तीसरे तरफ बांग्लादेश है और चौथे तरफ करीब 27 किलोमीटर पर चीन है और दो राज्यों से जुड़ा हुआ है, एक तरफ सिक्किम है और दूसरे तरफ बिहार है। महोदय, ये एक चिकन नेक है पूरा और म्यांमार जाने के लिए भी सड़क यहीं से जाती है। कोई भी स्ट्रेटेजिक मूवमेंट अगर हो, चाहे वो आर्मी की हो, चाहे उत्तर पूर्व के विकास की हो, हमारे शहर से ही गुजरना पड़ता है। किंतु महोदया, उस इलाके में अभी भी बहुत कमी है विकास की और यही कारण है कि जब हमारे हरमन प्यारे नेता नरेंद्र मोदी जी मेरे लिए प्रचार करने गए तो उन्होंने जब जाकर वहां देखा कि विकास विहीन ये वो स्थान है जहां नक्सलबाड़ी भी है और उन्होंने कहा विकास नहीं था इसलिए नक्सलबाड़ी हुआ था और नक्सलवाद पैदा हुआ था और आज भी वहां विकास नहीं आया है और वो नक्सलवाद तो खत्म हो गया, नक्सलवाद की जगह माओवाद आ गया और वो तिरुपति से लेकर पशुपति तक फैल गया, पर आज भी विकास की कमी है और उन्होंने वादा किया था कि वो वहां पर विकास की गति को तीव्र करेंगे। उसके साथ साथ ये चाय बागानों से घिरा हुआ है, यहाँ उत्तम श्रेणी के संतरे होते हैं, अनारस होता है, किंतु उसके रख रखाव के लिए या उसका सदुपयोग के लिए कोई कारखाना वहां पर आज तक नहीं लगा है और संतरा जो वहां के किसान बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं दार्जिलिंग के संतरे, तो बांग्लादेश की सरकार ने भूटान को एग्जेम्पशन दिया हुआ है, टैक्स एग्जेम्पशन, और हमारे ऊपर 37 रुपया पर केजी करके उस पर टैक्स लगता है जिसके कारण हमारे किसान प्रभावित है। महोदया, ये इलाका, आधे से ज्यादा इलाका जो गोरखाओं के द्वारा बसा हुआ है और वहां के गोरखा वीर गोरखा जिन्होंने, जिनका एक ही नारा रहता है, जिम्मेदारी, वफादारी और ईमानदारी, ये उनकी पहचान है। और गोरखाओं के शहीद, अमर शहीद दुर्गा मल्ला का एक विराट यहाँ पर मूर्ति लगी हुई है 5 नंबर गेट में पार्लियामेंट के अंदर ही, वो याद दिलाती है, याद दिलाती है हमको अपने बचपन की, जो एवरेस्ट विजेता तेनसिंह की, तेनसिंह का नाम सुनते ही उस इलाके की महत्व मिलता है हमें, और याद दिलाती है हमें अरी बहादुर गुरुंग की, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। समय और मैं आता हूँ वहां की, कुछ मांगे हैं महोदया मैं रखूंगा, किंतु उसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि 62 की लड़ाई हो, 65 की लड़ाई हो, कारगिल वार हो, चाहे बॉम्बे का टेररिस्ट अटैक हो, गोरखाओं ने शहादत दी है। और इसी को पहचानते हुए लता मंगेशकर ने जब 1962 में ए मेरे वतन के लोगों गाना गाया था तो उन्होंने कहा था, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गोरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, क्या लोग थे वो दीवाने, क्या खूब थी उनकी जवानी, जो शहीद हुए थे उनकी जरा याद करो कुर्बानी। महोदय, आज वो गोरखा आंदोलनरत है और 1907 से वो आंदोलनरत है और वो एक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे, कालांतर में वो मांग एक पृथक राज्य की कल्पना पे परिणित हुई। 1907 से चला हुआ यह आंदोलन 29 बार इसमें विभिन्न रूप धारण किए हैं। सुभाष घिसिंग का वो आंदोलन जब उग्र हो गया, सैकड़ों लोग मारे गए पुलिस की गोली से और अंततः 1988 में दार्जिलिंग हिल गोरखा हिल काउंसिल बनाया गया, किंतु उस वक्त उन्होंने गोरखाओं को गोरखा लैंड का कंसेप्ट एडॉप्ट नहीं करने दिया। किंतु
ये मांग फिर 1987-88 से लेकर 2007 से लेकर 2011 तक फिर तेजी पकड़ी और उन्होंने पृथक राज्य की मांग की। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के नेतृत्व में एक कमेटी गठन की गई और वो तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय के नेतृत्व में 18 जुलाई 2011 को एक एग्रीमेंट साइन हुआ, जिस एग्रीमेंट में यह लिखा गया कि विदाउट फॉरगोइंग, विदाउट द ड्रॉपिंग ऑफ द डिमांड ऑफ गोरखा लैंड दे आर साइनिंग दिस एग्रीमेंट। वेयर एज आफ्टर सेवरल राउंड्स ऑफ ट्राइपार्टाइट मीटिंग एट द मिनिस्ट्रियल एट द ऑफिशियल लेवल द जीजेएम while not dropping their demand for a separate state of Gorkhaland has agreed to setting up of a autonomous body hereinafter referred as a GTA Gorkha territorial authority empowered with administrative financial and executive powers in regard to various subjects and transferred to the said body for the development of the region and restoration of peace and normalcy there। ye karke उस वक्त इनकी उपस्थिति में, चिदंबरम की उपस्थिति और इनकी उपस्थिति में इसको दिया गया। सितंबर में बंगाल की विधानसभा ने सर्वसम्मति से गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन करके एक कानून को पास किया जिसको एसेंट किया हमारे वर्तमान राष्ट्रपति माननीय श्री प्रणब मुखर्जी जी ने मार्च 2012 में, और उसके बाद वो एक्ट बना। उस एक्ट के तहत करीब 59 सब्जेक्ट इनको ट्रांसफर किए गए। आज वो पुनः आंदोलनरत है क्योंकि बंगाल सरकार का एक सौतेला व्यवहार जिसके कारण कुछ नहीं हो रहा। नेपाली भाषा को इसी सदन ने पास करके 1992 में भारत की भाषा में अंकित किया था। यूपीएससी में नेपाली में परीक्षा दी जा सकती है किंतु डब्ल्यूबीसीएस की परीक्षा नेपाली में नहीं दी जा सकती। आईएएस आईपीएस तो बन सकते हैं किंतु राज्य के अधिकारी वो नहीं बन सकते। ये सौतेलापन उनके साथ हो रहा है, इसलिए पिछले 9 तारीख से वो जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे हैं। और उनकी जो मांगे हैं उनके साथ उनकी ये भी मांग है महोदया कि 11 उनकी समय लगेगा, मैं खत्म कर दूंगा, अभी आपके समय के अनुसार कर दूंगा। मैं 11 ट्राइबल 11 कम्युनिटी को ट्राइबल कम्युनिटी में अंकित करने के लिए बंगाल सरकार से सर्वे करके और इसी तरह सिक्किम सरकार से सर्वे करके एंथ्रोपोलॉजी की रिपोर्ट सबमिट करके यहाँ जनरल सेंसस के डायरेक्टर जनरल के पास में ट्राइबल मिनिस्ट्री के माध्यम से जमा हुआ पड़ा है, लंबित है। वहाँ के लोगों के मन में रोष है कि उनको ट्राइबल की आख्या नहीं दी जा रही है, अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं। मेरा कहना है महोदया कि उस पर विचार होना चाहिए और उन पर उनको जो ट्राइबल के लाभ हैं वो उनको मिल सके वहाँ, इनका इनके मन की जो सपने हैं वो पूरे किए जा सके। और उन सपनों को साकार रूप देने के लिए हमने 2009 में और 2014 में अपने मैनिफेस्टो में लिखा था महोदया कि हम दार्जिलिंग जिला एवं द्वार्स रीजन के गोरखाओं, आदिवासियों एवं अन्य लोगों की बहुलंबित मांगों को सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा करेंगे तथा सम्यक रूप से विचार करेंगे। मेरी आपसे मांग है महोदया कि जब हम इनके ऊपर विचार करें, विचार करने के साथ साथ हम जो वहां पर उनकी जो मांगे हैं जिसको बंगाल सरकार और भारत सरकार ने पहचाना है, चिन्हित किया है, उनकी मांगे जो हैं वो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ प्लीज कंक्लूड, आई एम कंक्लूडिंग मैडम, कंक्लूडिंग। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव नेशनल हाईवे फ्रॉम सिलीगुड़ी वाया मिरिक अलॉन्ग बालासान रिवर टू दार्जिलिंग, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फैशन टेक्नोलॉजी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए सैनिक स्कूल, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए गेम्स एंड स्पोर्ट्स अकेडमी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए टी ऑक्शन सेंटर एट दार्जिलिंग, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे टू बी रिविटलाइज्ड बूस्टिंग टूरिज्म सेक्टर, establish a broad gauge railway terminal station at Sukna, strengthening the widening of national highway 55 and 31A and central government engineering college। mohdya main rakh do na, nahi nahi main pad raha hu, ye isliye zaruri hai mohdya, ye andolan mein jude hue hain aur sath sath main kahunga ki meri constituency mein ye jo mange hain iske sath sath wahan naxalbadi phasi deva aur siliguri chopra hai mohdya। मेरा कहना है कि हम हो गया स्मार्ट सिटी की बात कर रहे हैं, हो गया हमें स्मार्ट कॉरिडोर चाहिए,
हमें स्मार्ट कॉरिडोर चाहिए जो एयर के लिए, रेल के लिए, रोड के लिए और रिवर के लिए होगा, क्योंकि हमारे हमारी छाती के ऊपर से अर्थात सिलीगुड़ी के ऊपर से बांग्लादेश लोग जाते हैं, भूटान जाते हैं, नेपाल जाते हैं और बर्मा जाते हैं, म्यांमार जाते हैं। तो महोदय मैं ये कॉरिडोर की मांग कर रहा हूँ और उसके साथ साथ विकास के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि घोसपुकुर से सेवक रोड तक वहाँ के लोगों जो लोग बैठे हैं उनको बिना विस्थापित किए, बिना विस्थापित किए नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से एलिवेटेड हाईवे बनाया जाए और जो कि वहाँ पर वो मार्ग बन सके और एक कॉरिडोर बन सके और जो पूरे देश को बता सके कि हाँ इस तरह का कॉरिडोर सारे विश्व में फैल सकता है। और यही कहकर मैं पुनः अपनी मांग को दोहराते हुए कहता हूँ कि अविलंब में केंद्रीय सरकार ये समिति का गठन करे कि यहाँ की लंबित पर विचार हो सके।